ओम शांति। आपका प्रश्न है, देही और विदेही में क्या अंतर है? देही देह को धारण करने वाला आत्मा, आत्मा देह को धारण कर रही है तो वो है देही। धारण करने वाली आत्मा और विदेही विशेष देह को धारण करने वाली आत्मा, विशेष देह वाली आत्मा, जब आत्मा देह में है, देह को धारण किया है, तो देह को धारण करने वाली आत्मा को कहा जाएगा देही। और विदेही विशेष देह को धारण करने वाली आत्मा। अब यह विशेष देह क्या होता है, जिसे हम कहते हैं चित्र और विचित्र। ये देह है चित्र, देह को धारण करने वाली देही आत्मा और चित्र को धारण करने वाली आत्मा, चित्र वाली आत्मा। जैसे बाबा कहते तुम्हारा चित्र है, तुम्हारी देह है, मेरी देह नहीं, मैं विचित्र हूं, मैं विदेही हूं। बाबा का चित्र है, परंतु हम उस चित्र को बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। इसी प्रकार हम आत्मा जब देह से अलग हैं तो हम विदेही हैं, हम भी विचित्र हैं। हम अपने चित्र को भी बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं। आत्मा देह में है तो देही, आत्मा देह से अलग है तो अब वो विदेही है, विशेष चित्र वाली है, जिस चित्र को हम इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, उसे बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। समझ में आ गया होगा, आत्मा देह में देही, आत्मा बिना देह के विदेही, क्योंकि उसका विडॉट बिंदु एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, उसे हम बनाना चाहें तो बना नहीं सकते, इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। के? और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।